गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सबका स्वागत करते हैं जीएस प्रोमो चैनल की एक और वीडियो में। आप सबका तमन्ना था ना कि दुबई में एकोमोडेशन का क्या खर्च होता है, यानी बेड स्पेस का कितना खर्चा होता है और पार्टीशन का कितना खर्चा होता है, राइट। तो मैं आपको बता दूँ, शुरुआत करता है मैं अपना रूम से। मेरा रूम देखो इतना छोटा सा है, नीचे में मेरा दोस्त होता है, ऊपर मैं सोता हूँ, ठीक है, और बहुत छोटा सा है, एक बाथरूम का साइज इतना छोटा सा है। उसके बाद लगभग इसका होगा आपका 800 से 1000 दिरहम का, हालांकि मैं पे नहीं करता क्योंकि ये फ्लैट ही मेरा है, मतलब मेरा दोस्त और मेहमान का है। और दूसरा देखो, यहाँ पे फ्लैट में बहुत अलग अलग तरीके से रहते हैं, कोई पार्टीशन में रहते हैं, कोई बेड स्पेस में रहते हैं, कोई रहता है पूरा रूम लेके। तो मैं दिखाऊंगा आपको एक फ्लैट के अंदर कितना प्रकार का होता है। ऐसा छोटा छोटा पार्टीशन होता है जिसमें से कोई फैमिली वाला रहता है और कोई बैचलर्स रहते हैं। जैसे ये हो गया, इसको पार्टीशन बोलता है, और पार्टीशन में आपका मर्जी रहता है आपको ये बेड रखना है या ओनली सिंगल बेड रखना है। यदि आप कपल्स हैं तो आप सिंगल बेड रख के बैठ सकते हैं, और यदि आप बैचलर्स हैं, दो लड़के हैं, तो ऊपर एक नीचे एक करके सो सकते हैं। और इसका कॉस्ट लगभग आपको पड़ता है 1000-1200 इतना है। दुबई में, शारजा में आपको लगभग 600-500 में मिल जाएगा, यहाँ दुबई में इतना पड़ता है, 1200 या 1000 मिनिमम पड़ता है। और साइज़ आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है ना। सो ये हो गया पार्टीशन एक महीना का, यानी 1000 बोलने से भी इंडिया का लगभग 20,000 होता है, राइट। तो 1200 बोलने से आप खुद पकड़ सकते हैं कितना होगा, 22,000 कुछ कुछ हो जाएगा। सो उसके बाद ये भी पार्टीशन है, और यहाँ से आप देख सकते हैं बालकनी है, यहाँ कपड़ा वगैरह सुखाता है, जैसे कि ये मिस्टर सांडो जो कुछ नेल काट रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो तीन पार्टीशन है उसका बालकनी ये हो गया, हालांकि ये एक रूम था, उसको डिवाइड करके पार्टीशन बना दिया। उसके बाद ये है रूम नंबर ए, जिसमें ओनली लेडीज रहता है, फिलहाल कोई नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ये रहा आपका लेडीज़ का पार्टीशन, ठीक है। देखो, हालांकि कोई लड़की फिलहाल नहीं है, ये ऊपर वाला खाली है सामान रखने के लिए। यहाँ पे एक सिस्टर रहती है, यहाँ पे एक सिस्टर रहती है, और ये वाला कल नेपाल चला गया, ऊपर सामान रखा हुआ है, और यहाँ पे एक रहती है। और यदि लड़की लोग बेड स्पेस में रहने से कैसे रहते हैं, क्या वो एक ही नेशनलिटी का होता है, यदि आपका मन में डाउट होने से मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंडिया, नेपाली, पाकिस्तान सब साथ में है। यहाँ पे रहने वाला जो सिस्टर है वो पाकिस्तानी है, यहाँ पे रहने वाला इंडियन है, यहाँ पे रहने वाला नेपाली थी, फिर अब यहाँ में रहने वाला नेपाली है और इधर रहने वाला नेपाली है, ठीक है। सो इनका फिर होता है यहाँ पे छोटा सा बालकनी, ऐसा ज़्यादा दिखाना अच्छा नहीं है या क्योंकि लेडीज़ का कपड़ा सुखाया गया है ना। सो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं जेंट्स का रूम, ये है जेंट्स का रूम। सॉरी पाजी, ऐसा होता है बेड स्पेस। यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ है, और फिलहाल यहाँ सोया हुआ है, और हमारा पाजी खाना खा रहा है। हाय पाजी, सॉरी। और यहाँ का जो लड़कों का बेड स्पेस का बालकनी जो है उनके लिए, वो ये है। देखिए यहाँ पे वो अपना कपड़ा सुखाते हैं, और यहाँ से जो कुछ व्यूज़ आपको देखने को मिलेगा वो बहुत बढ़िया होगा। ये देखो, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, है ना, व्यूज़ बढ़िया है ना। और अभी कॉस्ट आपको बताया जाए तो लड़का का जो बेड स्पेस है उसका 500 दिरहम है दुबई में, हालांकि कोई जगह में 600 भी करते हैं, कोई जगह में 700 भी करते हैं, कोई जगह में 550 करते हैं, कोई जगह में 400 भी करते हैं, वो लोकेशन के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ लोकेशन भी अच्छा है, इस टाइम हम मिनिमम 500 रुपये तक ले लेते हैं, हमें 550-500 ऐसा डिपेंड्स करता है, 550 तक ले लेते हैं हम लोग यहाँ में। तो ये है रेट, इंडिया का लगभग 10,000 कुछ होता है। हाँ, आपने रिक्वेस्ट किया कि बनाओ तो मैंने बना दिया, ठीक है। बेड स्पेस का कितना खर्चा आएगा बता दिया, पार्टीशन का कितना खर्चा आएगा, यदि आप सेपरेट रहना चाहते हो दो दोस्त के साथ, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो आप पार्टीशन में रह सकते हैं, उसमें आपको 1000-1200 पे कर सकता है। और नहीं, मुझे पैसा को थोड़ा सेव करना है, तो लड़कों के साथ बेड स्पेस में जा सकते हैं, जहां आपको लगभग 500 रुपये आधा प्राइस में मिल जाएगा। और ये सब
मैं सब फ्री रहेगा। देवा देवा का मतलब होता है गेस्ट, गैस हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, सारा फ्री रहेगा इसमें। मंथली आपको इतना खर्चा आएगा 500 लगभग। और उसके बाद खाने का क्या होता है, ये हो गया आपका सिर्फ एकोमोडेशन का, रहने का। तो खाने पीने का लगभग आपको खर्चा आएगा लगभग 300 पकड़ चलो, मैक्सिमम 300 में हो जाता है। और आप स्टैंडर्ड खाने से भी, और नॉर्मली आप थोड़ा बचावट में खाने से तो आपको लगभग 250-200 में भी हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही रहा, बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वो आप लोग बता रहे थे कि थोड़ा सा दिखा दो, है ना, तो मैंने आप सबको दिखा दिया कि यहाँ का बेड स्पेस का ये होता है, खर्चा इतना है। हाँ पाजी, ये हमारा पाजी है, कहाँ से हो आप? इंडिया, पंजाब। पंजाब से हो ना? हाँ, तो ये पाजी भी यहाँ रहते हैं हमारे साथ। फिलहाल बाहर जाके बात करते हैं, 16 लोग। और आपको अभी दिखाना बाकी है इस फ्लैट का दो बाथरूम। ये हुआ एक बाथरूम, ठीक है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला हुआ है। दूसरी बाथरूम यहाँ है, अंदर आदमी बैठा हुआ है। और किचन हमारा ऐसा है, ये है कॉमन किचन, ये रहा कॉमन किचन, ठीक है। यहाँ पे जो रूम में, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कपल्स हो, सारा लोग खाना यहाँ पे पकाता है, अपना अपना सामान लेता है और पकाता है। सामान यहाँ पे रखता है अपना अपना, किसी का सामान यहाँ रखा हुआ है, किसी का यहाँ रखा हुआ है, किसी का यहाँ रखा है, किसी का यहाँ रखा है। सो इसी तरह हम सब मिलजुल के रहते हैं, चाहे नेशनलिटी कोई भी हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाली हो, श्रीलंका हो, सारा लोग है। अभी हमारा फ्लैट में कहा जाए तो यहाँ पे लड़का का अंदर में इंडिया और नेपाली है, लड़की के अंदर में इंडिया, नेपाली, पाकिस्तान, ये तीन है। और ये पार्टीशन में इंडियन है, नेपाली है, पाकिस्तानी, श्रीलंका है। सो सब नेशनलिटी हम लोग मिल के रहता है। तो बस कॉस्ट आपको बता दिया कितना कितना हो सकता है, और दिखा दिया कैसा होता है पार्टीशन, कैसा होता है बेड स्पेस। आपको पसंद लगा तो ठीक है, और आप चाहे तो दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं वीडियोस, ठीक है। सो आपके रिक्वेस्ट में मैंने बना दिया मेरे भाई। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। ये है अपना फ्लैट, लेकिन कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के हम भी स्ट्रगल करके छोटा सा फ्लैट में रह रहे हैं, छोटा सा रूम में रह रहे हैं, ताकि 2-4 रुपये बचा सके, घर में बेच सके, फैमिली को पाल सके, है ना। यदि आप आते हो तो आपको भी यही करना होगा, अपना कंफर्ट जोन में रहेगा तो फिर हम सेफ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। सो बाय बाय।